नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने चल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के बारे में। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को आज हम देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट आपको जो है मिलता रहे और हमारा जो है लक्ष्य पूरा होता रहे कि आप करंट अफेयर्स के जो है महत्वपूर्ण पॉइंट को जो है देख रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जो है इसके महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं को देखते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का 111वां संस्करण था। तो दोस्तों, साल का पहला ग्रैंड स्लैम ये है। टेनिस टूर्नामेंट मेलबर्न पार्क में 16 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक हुआ। तो डेट याद रखिएगा, 16 जनवरी से 29 जनवरी और संस्करण कौन सा, 111वां। तो दोस्तों, ये जो है सरफेस इसका कैसा है, हार्ड है और ग्रीन सेट है, ठीक है। इसको भी जो है आप देख लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। पुरुष एकल का जो है खिताब जो है किसने जीता, मेन सिंगल्स नोवाक जोकोविक इस जो है खिताब को जो है जीते हैं और नोवाक जोकोविक 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जो है जीता है दोस्तों। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी बन गए हैं। ये जैसे ही ये खिताब जीते हैं तो विश्व के जो है नंबर एक खिलाड़ी का जो है इनका जो है रैंकिंग में स्थान आ गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि महिला एकल का जो है खिताब किसने जीता है। वुमेन सिंगल का एरिना सबालेंका ने जो है ये खिताब जीता है और ये जो है किस देश की है, बेलारूस जो है देश की खिलाड़ी है। तो आइए दोस्तों, यह सबालेंका का पहला ग्रैंड स्लैम है। तो इनका जो है इस तरीके का ये पहला खिताब है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पुरुष युगल्स मेंस डबल्स किसने जीता है। रिंकी हिजकाता नाम से जैसे लग रहा है दोस्तों, ये महिला खिलाड़ी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो है पुरुष नाम है रिंकी हिजकाता और जेसन मुरे कुबलेर। तो दोनों जो है कहाँ के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। महिला युगल्स का जो है खिताब किसने जीता है दोस्तों, बारबोरा क्रेजिसिकावा, ठीक है, और कैटरीना सिनियाकावा, दोनों जो है चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। मिश्रित युगल का जो है खिताब किसने जीता है दोस्तों, लुइसा वेरास स्टेफनी, ठीक है, तो लुसा या लुइसा वेरास स्टेफनी और राफेल फेब्रिस डी मार्टोस। तो नाम जो है याद रखिएगा। देखिए, आपको जो है क्या करना होता है दोस्तों, ये जो है नाम में जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको जो है पकड़ना होता है। पूरा नाम जो है नहीं याद होता है, स्टेफनी याद रखिए। जैसे यहाँ पे कैटरीना सिनियाकावा जो है नहीं याद हो रहा है तो आप जो है कैटरीना जो है याद रखिए महिला युगल में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ बारबोरा जो है आपके दिमाग में जल्दी से बैठ सकता है। इस तरीके से दोस्तों आप जो है याद करने का जो है तरीका जो है ढूंढना पड़ेगा, जिससे आपको जो है ये पॉइंट्स याद रहें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिससे जो है क्वेश्चन बनता है। उन पॉइंट्स को जो है मैंने इस लेक्चर में छोटे से वीडियो में जो है मैंने डिस्कस कर लिया दोस्तों। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चूँकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो आप जो है लाइक तो जो है कर दीजिए और जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे आपके लिए वीडियो अच्छे अच्छे बनाने का। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में